थाना क्षेत्र के सारण का खेड़ा गांव में जहरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत हो गई, तो वहीं पांच लोगों को तबियत खराब होने पर उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। तो वहीं गांव के चार लोगों की मौत की खबर से शोक की लहर छा गई। मृतकों में एक महिला सहित तीन पुरुष शामिल है। गड्डी शराब थी, उसमें से चार तो खत्म हो गए, पांच की हालत सीरियस है, वो एमजी हॉस्पिटल भिलवाड़ा में एडमिट। ये सारना खेड़ा की घटना है, मलगढ़ तहसील में मोवा ग्राम पंचायत में सारना खेड़ा ग्राम। प्रशासन और पुलिस और आबकारी विभाग पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूरे मेरे विधानसभा क्षेत्र में हर छोटे छोटे गाँव में ये जहरीली शराब बिक्री है, परंतु उसको रोकने वाला नहीं है। ये प्रशासन उससे केवल बंदी लेने के अलावा कुछ भी नहीं करता है, और ये सबसे मिली हुई साठ गांठ है। प्रशासन के बिना जहरीली शराब बढ़ नहीं सकती है। मैं पूरी जिम्मेदारी, ये मालगढ़ विधानसभा का प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग बिल्कुल निष्क्रिय है। केवल बंदी लेना और इनका भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं है। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता केसरीमल इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केसरीमल, देखिए जो घटना सामने आई है, चार लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से क्षेत्र में, और गांव में कोहराम मच गया और पांच लोग गंभीर रूप से अभी बीमार भी हैं। क्या अपडेट, कब की घटना पूरी? जी मैम, मैं बता दूं, ये इस घटना में चार लोग अभी तक मारे जा चुके हैं जी, और पांच लोगों का भिलोड़ा अस्पताल में उपचार चल रहा है। गांव में मातम पसरा हुआ है। जिला कलेक्टर एम सी प्रकाश नकाते और एसपी विकास शर्मा मौके पर गांव में पहुंचकर लोगों से घटना के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और घटना में जो जहरीली शराब का प्रयोग किया गया था, उसके भी सैंपल प्रशासन द्वारा इकट्ठे किए जा रहे हैं। और जो चार लोग मारे जा चुके हैं, उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां भी ग्रामीणों द्वारा की जा रही है प्रशासन की नजर में। जी जी मैम, साथ ही आपसे जानना चाहूंगी कि जो जहरीली शराब आप बता रहे हैं जिसके सैंपल्स ले गए, क्या ये उसी गांव की शराब, वहीं पर हथगढ़ का जो कारखाना होता है वो था, क्या इसके बाद में कार्रवाई वहां पर की गई, नष्ट कर दिया गया है उससे ताकि दूसरे लोग इसका सेवन नहीं कर पाए? जी मैम, ये घटना होने के बाद आबकारी विभाग पूरे हरकत में आ गया है और पूरे मांडलगढ़ उपखंड सेक्टर में जहाँ कच्ची शराब का निर्माण किया जाता है वहाँ पर रेड मारी जा रही है जी, और ऐसे लोगों को पकड़ा भी जा रहा है जो कच्ची शराब का निर्माण करते हैं जी। चलिए बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए। तो मांडलगढ़ के सारण का खेड़ा गांव की पूरी घटना, चार लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है और एक महिला भी मरने वालों में शामिल है, पांच लोग अभी गंभीर रूप से बीमार है। अधिक अपडेट के साथ में सहयोगी योगेश शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, एक और वाकया, जहरीली शराब के सेवन से चार लोगों की मौत हुई है मांडलगढ़ में, और दुख की बात यह है कि एक महिला भी इसमें शामिल है, पांच लोग अभी जिंदगी और मौत से भी जूझ रहे हैं। योगेश योगेश, आपसे जानना चाहूंगी मांडलगढ़ के सारण का खेड़ा गांव से जो वाकया सामने आया है, चार लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। तो भीलवाड़ा में मांडलगढ़ थाना का क्षेत्र के सारण का खेड़ा गांव में जहरीली शराब पीने से चार व्यक्तियों की मौत के बाद आबकारी विभाग हरकत में आ गया। आबकारी विभाग ने आनंद फानन में मानपुरा क्षेत्र के देसी शराब की दुकानों को सीज कर दिया। आबकारी विभाग के सीआई विकास कुमार शर्मा ने कहा कि हथखड़ शराब पीने से चार लोगों की मौत हो गई थी, जिसके कारण एहतियात के तौर पर सभी देशी शराब की दुकानों को सीज किया गया। रात्रि को सारण का खेड़ा जो महुआ के पास है, वहाँ कुछ दुकानते का घटित हुई है जिसमें कुछ व्यक्तियों के मारे जाने की सूचना है। उसी सिलसिले में जो आसपास की सरकारी मदिरा दुकानें हैं उनको हम सीजेट कर रहे हैं एहतियातन, और उनसे सैंपल भी लिए जा रहे हैं ताकि ये जाँच हो सके कि ये किसी अन्य कारण से हुई है या सरकारी दुकान से। एक मानपुरा है, एक महुआ है, एक धामनिया, तीन दुकानें हैं।